हे गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले रेडमी नोट 11 जो कि 4G स्मार्टफोन है, दूसरा वीवो T1 5G जो कि 5G स्मार्टफोन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी दोनों मोबाइल के बीच कंपैरिजन करने वाले, प्राइस से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड सारी बातें आपको डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। साथ में दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो बिना देर के चलिए वीडियो करना शुरू। तो सबसे पहले गाइस दोनों मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं। Redmi Note 11 में 6.43 इंच फुल एलईडी प्लस एमोलेड स्क्रीन के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। वहीं Vivo T1 5G में 6.58 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। अगर वहीं दोस्तों इस मोबाइल में IPS LCD की जगह एमोलेड का स्क्रीन देता है तो और भी बेहतर होता। दोनों ही मोबाइल में एंड्रॉइड 11 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही दोनों मोबाइल में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो कि मार्केट में अभी दोस्तों काफी प्रचलित है। दोनों ही मोबाइल में 3.5 mm का हेडफोन जैक का सपोर्ट दिया गया है। पावर बैकअप लिए दोस्तों Redmi Note 11 5000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। वहीं Vivo T1 5G में पावर बैकअप लिए 5000mAh बैटरी के साथ 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। Redmi Note 11 जो है दोस्तों तीन कलर के साथ आता है, एक ग्रे, एक व्हाइट और एक ब्लू। वहीं Vivo T1 5G भी दोस्तों दो कलर के साथ आता है, एक ब्लैक और एक रेनबो कलर के साथ। फोटोग्राफी के लिए Redmi Note 11 में क्वाड सेटअप कैमरा दिया गया, जो कि 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा, 2MP का डीप कैमरा दिया गया, जिससे कि आप 1080p में 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं सेल्फी के लिए इस मोबाइल में 13MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। वहीं Vivo T1 5G फोटोग्राफी के लिए स्पीड पोस्ट सेटअप कैमरा दिया, जो कि 50MP का मेन कैमरा है, 2MP का मैक्रो कैमरा, 2MP का डीप कैमरा दिया गया। अगर वहीं दोस्तों 2 की जगह 8 कर देता तो और भी बेहतर होता है। साथ ही में सेल्फी के लिए इस मोबाइल में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अगर वहीं दोस्तों दोनों मोबाइल के इंटरनल की बात करें तो Redmi Note 11 4GB के साथ 64GB का इंटरनल, 4GB के साथ 128GB का इंटरनल और 6GB के साथ 64GB का इंटरनल और 6GB के साथ 128GB का इंटरनल मिल जाता है। आप अपने प्राइस के हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों। वहीं Vivo T1 5G में 4GB के साथ 128GB का इंटरनल, 6GB के साथ 128GB का इंटरनल और 8GB के साथ 128GB का इंटरनल दिया गया है। आप अपने प्राइस के हिसाब से इस मोबाइल को भी खरीद सकते हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो Redmi Note 11 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 4G जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। प्रोसेसर जो दोस्तों अच्छा दिया गया है, उतना भी मतलब बेहतर नहीं है। आप किसी भी प्रकार का हाई लेवल का गेमिंग नहीं खेल सकते हैं, आप छोटा मोटा गेम खेल सकते हैं। और Vivo T1 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 5G जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। प्रोसेसर जो है दोस्तों दोनों मोबाइल का लगभग सेम ही दिया गया है। अब बात करते हैं तो फिर दोनों मोबाइल के प्राइस की। तो Redmi Note 11 की प्राइस जो दोस्तों 15,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। Vivo T1 5G की प्राइस जो दोस्तों 15,990 रुपया है। मैंने दोस्तों दोनों मोबाइल के बारे में आपको बता दिया। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको कौन सा मोबाइल बेहतर लगा। मुझे भी देखिए दोस्तों वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार से कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय भारत।